किस तरह से जवाब देंगे आप? ये अमित शाह से क्यों आप लोग तुलना करने लगे? हमारी पार्टी का महागठबंधन का रैली है, इसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने बता दिया है कि ऐतिहासिक होगी और यहीं से जो है बिहार की धरती से ही जो है सफाया किया जाएगा और इसका शुरुआत जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से इसका आगाज होगा। जो आज जनता जो है चाहती है भाजपा हटाओ और देश बचाओ, महापरिवर्तन चाहती है और महापरिवर्तन का सखा यहाँ से शुरुआती ही होगा। कितने लोग आएंगे क्या? मुख्यमंत्री और तेजस्वी के अलावा कौन बड़े चेहरा उस मंच पर होंगे? नहीं नहीं, उसमें हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी माननीय, और जो हमारे घटक दल के जो भी नेता हैं शीर्ष लीडर उसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और हमने कहा कि ऐतिहासिक होगी, जो भाजपा का जो अभी जुमलेबाज जो उसका कुछ नहीं है, भाजपा जो केंद्र सरकार के जो गलत नीति है और गलत नीति के कारण जो आज महंगाई बेरोजगारी जो चरम पर है और जो भाजपा के द्वारा जो खोखले आश्वासन जुमले बातें जो कही जा रही हैं और लगातार खोखला आश्वासन जो दिया गया जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहा है, जो सही रास्ते से भटकाने का काम कर रहा है, जो समाज और देश को बांटने का काम कर रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जो संविधान के नष्ट कर रहा है, संघीय ढांचे को नष्ट कर रहा है, सबका जो अभी देख रहे हैं बिहार के लिए कोई बजट मिला? बजट में कोई ऐसा प्रावधान किया गया? ये मजदूर किसान इसके लिए कोई बजट बनाया गया? इसके लिए कुछ रखा गया? जो युवा है बेरोजगार है उसके लिए कुछ किया गया? कहीं नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ जो है चुनाव समय पर, चुनाव के समय में सिर्फ वैसा कुछ करना जो भावनात्मक लोगों को जोड़ना। अब जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, देश का बदलाव चाहती है जनता, तो बदलाव लाने के लिए यहीं से शुरुआत किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि आपकी जो रैली होगी वो अमित शाह से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, कई गुना ज़्यादा लोग रहेंगे और बड़ी सभा होगी अमित शाह की। बिल्कुल बीजेपी ने ठीक ही कहा है, हम लोग का रैली को अमित शाह से तुलना करने की जरूरत नहीं है। हमारा रैली ऐतिहासिक होगा और बीजेपी के लोगों को जो है ना कुटिल चाल को जनता समझ चुकी है, जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जो हमेशा जो भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है जनता जान चुकी है, इसलिए जनता हम लोग को मैंने सोचने की जरूरत नहीं, ये जो है ना ऐतिहासिक होगी। सीमांचल क्यों चुना आप लोगों ने? सीमांचल क्यों आरोप लगाया, गाली गलौज कर रहे हैं, किसी पार्टी का एक मामला सामने आया? नहीं नहीं, जो आप देख रहे हैं कि सरकार अपने संवेदनशील है इस विषय पर, पहले भी के पाठक जी पर सवाल उठाया गया था तो जो सवाल आया है संज्ञान में आया है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अब शोभा उत्कर्ष जी के ये सब जो मामला है इसका संज्ञान सरकार लेगी।